homogenization heat treatment. Now, for homogenization heat treatment, first of all, we have a background knowledge of core structure, because homogenization heat treatment is required to reduce the core structure. Or sometimes eliminate the core structure. So homogenization heat treatment is the heat treatment, mean treatment through heat, which sometimes used to eliminate the core structure or to minimize the core structure. ये अगर आप लिखें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि elimination किसी चीज की हो नहीं सकती कभी, चाहे हम जो मर्जी कर लें. तो minimize is the more appropriate word. Now it involves heating the alloy. Again, I am saying that these treatments are always used for treating the alloys, not the metals. ज़हन में रखें, अलॉय जब दो स्ट्रक्चर होगी तो उनमें कोरिंग होगी, सिंपल किसी एक मेटल में कोर स्ट्रक्चर नहीं होती. Now it involves heating the alloy to a temperature just below the solidus temperature for a few minutes to allow diffusion of atoms and the establishment of a homogeneous structure. तो यहां पे पहुंचना, ये होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट होती है जो हमने बात की थी कि रेड हॉट जब हम कर देंगे उस मेटल की वायर को, तो ये सॉलिडस टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे होती है होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आके वो थोड़े अरसे तक उसको हम रखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी. अनिलिंग की बात नहीं कर रहे, अनिलिंग वो काफी बिलो होता है टेम्परेचर. और फिर इसमें होता यही है कि जो ही हमने बात की थी कि इसमें कोर स्ट्रक्चर होती है, हम इसको एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, फौरी तौर पे उसको उसका जो टेम्परेचर है सॉलिडस टेम्परेचर के बिल्कुल नजदीक ले जाके थोड़ा सा नीचे, ये नहीं कि वो सॉलिडस से हमारे ऊपर चला जाए, क्योंकि अगर उस सॉलिडस से ऊपर जाता है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. तो मेल्ट नहीं होना, उसने सॉलिडस के पास पास रहे. एंड वी हैव टू पुट इट इमीडिएटली फॉर क्वेंचिंग. द अलॉय इज नॉर्मली क्वेंच्ड. व्हाई क्वेंचिंग, किस लिए? इन ऑर्डर टू कूल इट रैपिडली. बिल्कुल बिल्कुल, उसी वक्त उसकी ग्रेन ग्रोथ को हम रोकने के लिए, वरना अगर वो टेम्परेचर उसका वहीं पे रहेगा तो ग्रेन ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी हमारी. तो वो ग्रेन ग्रोथ होगी तो वही कोरिंग का सिस्टम बन गया हमारा. तो जो ही हम क्वेंच करेंगे वो हमारे आइटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं रह जाएंगे. नाउ यू ऑल पीपल नो दिस थिंग एंड द क्वेश्चन विच आई हैव put it to you people that why this happens is answered in this diagram. So I am not now going to answer that question again. You people have to see the previous slides and other things. ये सारी चीजें हमने बात की थी, ये ठीक है जी, फेज डायग्राम में क्या होता है, और फिर ये जो चीज है ये सारी, और एक और चीज थी ये, इसके ऊपर हमने बात कर चुके हैं कि हमारी कंपोजिशन हम देख सकते हैं किस कंपोजिशन पे क्या होता है और क्या होगा, हम उसको आगे क्या करेंगे, कोरिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे. ठीक है जी, एक्सटेंसिव कोरिंग किस डायग्राम से हमें पता चलेगा, और लेस कोरिंग कहाँ पे होगी. और ये देखें जो हमने पहले कहा था ना कि इलिमिनेट कोरिंग, इलिमिनेट कोरिंग का तो मतलब ये है कि ये कोरिंग हो ही ना, ये दोनों लाइनें एक बनी हुई हो, तो वो तो हो नहीं सकती. तो इसलिए लेस का मैंने कहा था, और टू रिड्यूस द कोरिंग. तो यहाँ पे कोरिंग ज्यादा है, यहाँ पे कोरिंग कम है, इसकी समझ आ रही है आप लोगों को? क्या बात है, ये मेरी आवाज बहुत देर से आप लोगों को पहुंचती, आप आंसर नहीं करते.
ये सर सर नजर आ रही है वो देख रहे समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही यस सर सर ये लोग वहाँ ग्रुप में मैसेज करते हैं उसमें मसरूफ है।